हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं और वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड की मीठी पूड़ी। तो सबसे पहले उसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे गाइस। तो ये मेरे पास है ना, एक कटोरी है ना शक्कर है, तो हम चाशनी तैयार करते हैं इसकी। बस भगोनी चढ़ा दिए, इसमें हम शक्कर डाल देंगे चाशनी बनाने के लिए। तो गाइस, इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा। एक तार की चाशनी तैयार करनी है गाइस हमें, तो ये चाशनी हम बनने के लिए छोड़ते हैं। तब तक हम दूसरा प्रोसीजर बताते हैं हमें क्या करना है। तो गाइस, ये मेरे पास है ना 8 ब्रेड हैं, एक कटोरी कसा हुआ नारियल है, और ये मेरे पास किशमिश और चिरौंजी है, और ये है ना एक कटोरी गेहूं का आटा है, जो हम सिंपल रोटियां बनाते हैं वही है। एक कप मेरे पास दूध है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनकी स्लाइस है ना ब्रेड की, इस किनारियों को हम हटा देंगे। इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका बीच का पार्ट है उसकी ज़रूरत है हमें। तो हम पहले इनको साफ कर देते हैं। तो गाइस, ये मैंने ब्रेडों की साइडें साफ कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये दूध है मेरे पास, तो इसमें मैं ना सारी ब्रेड है थोड़ा थोड़ा करके इसे डिप करूंगी और इन्हें ना निकालते जाएंगे हम। हल्का हल्का सा डुबो ले, सारी ब्रेड इसमें हो गई है। गाइस, इसको अच्छा सा मैश करेंगे। अब इसमें से हम आटा डालेंगे। ऑयल डालेंगे मोइन के लिए 2 बड़े चम्मच। अब गाइस, इसमें डालेंगे हम मीठा सोडा 2 चुटकी के बराबर मीठा सोडा है ये। और इसको है ना इस तरह हम पूड़ियों का आटा लगाते हैं, सेम वैसे इसका आटा लगाना है। और गाइस, आपको ऐसा लगा ये ढीला है? हाँ, तो ढीला ही है, तो हम इसमें ना और आटा ऐड करेंगे, तब इसका ना जिस तरह हम पूड़ियों का आटा लगाते हैं ना, सेम वैसे ही लगाना है इसको। गाइस, इसमें मैं हल्का सा आटा और डालूंगी, थोड़ा ये ढीला हो गया है हमारा आटा, तो हाथों से पता पड़ जाता है हमें कितने आटे की ज़रूरत है। तो गाइस, इसको अब है ना अच्छा सा मसल मसल के आटा डाल मार लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे, ताकि ये ना अच्छा ये बर्तनों पे चिपके नहीं, हाथों में भी नहीं चिपके गाइस। तो गाइस, ये हमारा पूड़ियों का डो तैयार हो गया है, ब्रेड का आटा। अब हम चाशनी को चेक करते हैं। गाइस, चाशनी बस हमें एक तार की चाशनी चाहिए गाइस, ये परफेक्ट चाशनी है। अब गैस को करते हैं हम बंद, ताकि चाशनी हो जाएगी ठंडी। तो गाइस, हमें ना इस तरह की लोइयां तोड़ लेनी है, इस तरह की छोटी 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 सी, इनकी हम ना पूड़ियां तैयार करेंगे गाइस। तो गाइस, अब इसकी हम ना पूड़ियां बनाएंगे। ये आपको है ना बेलने में परेशानी आए ना, तो आप चकले पे और ये बेलन पर ऑयल लगा लें, ताकि बिल्कुल भी परेशानी करेंगे बेलने में। अब गाइस, जो हमारे पास है ना ड्राई फ्रूट है, इसमें किशमिश और चिरौंजी है, बस यही लेना है इसके अंदर। और ये ना नारियल है, कोई गोले को मैंने कस लिया है, डेसिकेटेड वाला पाउडर वाला नहीं है, जो नारियल का बुरादा जो हम घर में कसते हैं ग्रेट करते हैं, वही वाला नारियल है, ये वो वाला लेना है। तो हम इसके अंदर है ना थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी चिरौंजी, बस इतना ही डालना, ज़्यादा नहीं। और गाइस, इसके अंदर डालेंगे नारियल का बुरादा। अब इसको है ना हम इस तरह बंद करेंगे। एकदम पैक कर देना है इसे, और इसको ना इस तरह। तो गाइस, इसको है ना हमने भर के इस तरह हाथ से ही प्रेस करना है, आप बेलन नहीं लगाना है गाइस, जितना भी हाथ से कर सको उसी हिसाब से कर लेना। अब इसको मैं ऐसे ही सारी 2-3 पूड़ियां हम बना के रख लेंगे। गाइस, अब हमारी पूड़ियां बनके तैयार हो गई। अब हमने कढ़ाई चढ़ाई है, तो कढ़ाई में हम डालेंगे घी। अब गाइस, चाशनी की मीठी पूड़ियां हैं तो घी तो बनता है, और ऐसा आप अगर ऑयल में खाना चाहते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं।
इसमें हमने घी डाल दिया है। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम पूड़ियाँ डालेंगे। गैस की फ्लेम को आपको कम करना है, हाई पे नहीं बनाना है इसको भाई गैस बिल्कुल भी। गैस पूड़ी को हम आराम से पलटते हैं, बहुत अच्छी फूली है गैस पूड़ियाँ। उसके अंदर का जो ड्राई फ्रूट है वो भी अच्छा सा सिक जाएगा, बस हमें ऐसे ही चाहिए। इसको हम निकालते हैं बाहर। ऐसे हम सारी पूड़ियों को पहले तल लेंगे। तो मैं ये भी पूड़ी डालती हूँ, वो हमारी किशमिश भी बहुत शानदार फूल रही है इसमें। ब्रेड है तो गाइस ये जल्दी जल्दी सिक जाएंगी पूड़ी, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, पर पूड़ियाँ एक एक करके डालें इसमें। तो गाइस देख रहे हैं आप ब्रेड की पूड़ियाँ होके भी कितनी शानदार फूल रही हैं, बहुत अच्छी फूल रही है गाइस और बहुत खस्ता भी बनी है। इतनी अच्छी फूलेगी उसमें इतनी अच्छी चाशनी जाएगी अंदर। इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। पूड़ियाँ मेरी सिक गई हैं, इनको हल्का सा ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं इसमें चाशनी में डालूंगी, सारी पूड़ियाँ ऐसे ही बना लूंगी गाइस। तो गाइस ये मेरी पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं और इधर चाशनी भी हमारी है ना अच्छी सी ठंडी हो गई है, तो इनको ना हम पूड़ियाँ गर्म है चाशनी ठंडी है तभी हमें डालना है। तो गाइस इसके अंदर हम है ना इन पूड़ियों को डालेंगे चाशनी के अंदर, ताकि इसमें ना अच्छे से चाशनी भर जाए। एकदम डुबो देना है, तो ब्रेड है ना अच्छा सा एब्जॉर्ब कर लेगी चाशनी को। तो गाइस इसको 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें से बाहर निकालती हूँ और ऐसी छोटी छोटी सी प्लेट है हम तैयार कर लेंगे, इनके ऊपर इसको आराम से रखेंगे। गाइस ये बहुत ही शानदार दिख रही है। तो गाइस ये चाशनी में डूब डूब के डुबकियाँ लगा लगा के बाहर निकल आएंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे हम नारियल का बुरादा, ताकि ये बहुत सुंदर इनका लुक लगे, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेंगी। और गाइस ये मेरी परफेक्ट ब्रेड की पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। और कोई अगर आपके घर गेस्ट आता है तो आप इसको ना फटाफट बना के ये दे सकते हैं और खाने के लिए लगेंगे कि हाँ इनको फटाफट खाएं। गाइस इतनी जल्दी बनाने में तैयारी लगती नहीं है। तो गाइस फाइनली मेरी पूड़ियाँ ब्रेड की पूड़ी बनके तैयार हो गई हैं। और आपको मेरी ये मिठाई पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करना, मेरी इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, तो मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँगी। टेक केयर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, तो मैं ऐसी वीडियो लाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझको सब्सक्राइब करना। Take care.